हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सीखेंगे गले की कटिंग, गला किस तरह कटिंग किया जाता है। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे मैं आज आपको सिखाऊंगी पहले पेपर पे कटिंग करना के किस तरीके से गले की कटिंग होती है, और फिर अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी बुकरम, टेट्रोन, किसी पे भी आप पेपर फ्यूज किसी पे भी आप कटिंग कर सकते हैं और प्रेस से चिपका सकते हैं। और अगर आप प्रेस से नहीं चिपकाना चाहते तो आप ऐसे भी सिलाई लगा के गला बना सकते हैं। तो आज मैं आपको ये जो पेपर है हमारा इस पे कटिंग करके बताऊंगी कि आपको किस तरीके से कटिंग करनी है, और आपको मैं गले का साइज समझा दे रही हूँ कि जो हमारा गले का जो साइज होता है नॉर्मली 7 इंच का होता है। ठीक है, जो नॉर्मल होता है वो 7 इंच होता है, और कोई 6 इंच भी पहनता है और कोई 5 इंच भी पहनता है। तो नॉर्मल जो चलता है ज्यादातर 90% जो लेडीज हैं वो 7 इंच का गला पहनती हैं। तो ये हमारा फ्रंट का गला है, सामने का तो मैं आपको सामने का गला कटिंग करके बताऊंगी कि किस तरीके से गला कटिंग करना है, और आपको वीडियो देखने के बाद आपको भी इसी तरीके से गले की कटिंग सीखना है। उसके बाद आपको टेट्रोन बुकरम पे कटिंग करना है ताकि आपके टेट्रोन बुकरम खराब ना हो। तो आपको कागज पे ही कटिंग करके देखना है, अगर आपके पास पेपर है तो पेपर पे कटिंग करके देखना है, अगर आपके पास कोई कॉपी या कोई रजिस्टर वगैरह का भी कोई कागज है तो आप उस पे भी गला काटना सीख सकते हैं कि गला किस तरीके से कटिंग किया जाता है। तो जैसे मैंने ये कागज लिया है, ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है। आपको बुकरम लेनी है या कुछ भी लेना है टेट्रोन फोम, वो इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, ऐसे लेके और इस तरीके से बीच में इस तरीके से अच्छे से नखून से दबाना है। और जब आप ये तो कागज है, लेकिन जब भी आप टेट्रोन पे कटिंग करेंगे या बुकरम पे तो आपको ऐसे देखना है, अगर आप यहां से 3 इंच का साइज ले रहे हैं, यहां से 3 इंच जो ज्यादा हेल्दी लेडी से होती है वो पहनती है 3 इंच का यहां से, नहीं तो 2.5 इंच नॉर्मल होता है, ज्यादातर 2.5 इंच चलता है, यहां से 2.5 इंच का निशान चलता है और यहां से यहां तक 7 इंच का निशान चलता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हम गला बनाते हैं, अगर कोई 7 इंच का गला पहनती है और कहती है कि हमारे सूट में 7 इंच का गला बनाना, तो हम यहाँ से 7 इंच का ही फिक्स कटिंग करते हैं। आधा इंच जैसा हमारा ऊपर मतलब इसमें मार्जिन में चला जाता है, ऐसा ही 1/2 इंच हमारा ये बनने के बाद फैल जाता है, तो हम बिल्कुल फिक्स कटिंग करते हैं गले की। तो अब मैं आपको नॉर्मली गला बनाना सिखाऊंगी, मैं यहाँ से लगाऊंगी 2.5 इंच का। ठीक है, जैसे कि ये खुल के हमारा हो जाएगा 5 इंच का, तो ये जैसे हमारा ऊपर की साइड से फालतू है तो हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये लगा लिया हमने 2.5 इंच, अब यहाँ से लगाएंगे हम 7 इंच, और इधर से भी हम लगाएंगे 2.5 इंच। और यहां से एक सीधी लाइन बनाएंगे, ठीक है, यहां से, और फिर हम एक लाइन यहां से इस तरीके से, ये हमने एक बॉक्स टाइप का बना लिया है। अब आप इसके अंदर किसी भी तरीके का डिजाइन डाल सकते हैं, आप इसमें इस तरीके से भी डिजाइन डाल सकते हैं, इस तरीके से जो कंगूरे वाला बनता है, या आप इसमें गोल भी बना सकते हैं, या आप इसमें वी शेप का भी बना सकते हैं, तो आप इसमें कोई भी डिजाइन बना सकते हैं जो भी आपके मन में आए। तो आपको क्या करना है, पहले आपको पेपर पे सीखना है कि आपको कौन सा डिजाइन पसंद है, आप उसमें जो भी इसमें मार्क कर लेंगे, जो भी निशान लगा लेंगे, उसी शेप का आपका गला बन के तैयार हो जाएगा। बस ध्यान आपको इन दो चीजों का रखना है, एक तो यहाँ से रखना है 2.5 इंच, 2.5 इंच जितना यहाँ से है इतना यहाँ से है, और ये लेंथ इसकी 7 इंच है। अगर आपको 6 इंच का बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक 6 इंच का लगाना है, अगर आपको 5 इंच बनाना है यहाँ से यहाँ 5 लगाना है, लेकिन ये हमारा 2.5 इंच का रहेगा, लंबाई आप घटा बढ़ा सकते हैं, ये चीज आपको नहीं घटानी है, ये चीज आपको जो लंबाई है इसको आप घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये चीज जो है ये हमें 2.5 इंच रखनी है। ठीक है, यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, किसी का तीरा ज्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसका तीरा ज्यादा होता है तो जो वो गला गहरा पहनती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डीप गले में हम
तिहरे को कम कर देते हैं। अगर कोई गला छोटा पहनती है तो उसमें हम तिहरे को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें मैं इस तरीके का शेप दूंगी, यहां से 5 इंच पे निशान लगा के, और इसको इस तरीके से ठीक है। आपको बिल्कुल सीधा सा मैं सिखा रही हूँ, जो कि आपको कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। पहली बार आप गला कटिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा बता रही हूँ। आपको यहाँ से निशान पे ले जाना है धीरे 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 धीरे। कई बार क्या होता है, कटिंग करते हैं तो हमारी जो कैंची है इस तरीके से, हमारा जो हाथ है इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में काम सीखते हैं ना तो हमें बहुत डर लगता है कटिंग करने में। ठीक है, तो आपको बहुत धीरे धीरे से इस तरीके से कटिंग करनी है। ठीक है, अब जो इसके जो बाहर का हिस्सा है, आप जितनी भी चौड़ी यहाँ से पट्टी लेना पसंद करते हो आप इतनी चौड़ी ले सकते हैं। वैसे इसमें नॉर्मली 1 इंच की रहती है। ठीक है, यहाँ से 1-1 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से, और इधर से भी, यहाँ से भी आप इस तरीके से निशान लगाएंगे 1-1 इंच का ऐसे, और फिर यहाँ से भी इस तरीके से। तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये आपका इस तरीके से गला कट जाएगा। ठीक है, ये पतला है कागज, ये अच्छा फिनिशिंग के साथ नहीं कटा है। अगर हमारा मोटा कागज होता है, अगर हम वो जो कागज होता है हमारा, जो शादी के कार्ड वगैरह होते हैं उसकी जो हम कटिंग करते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। आप उसका पैटर्न कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख लोगे और बहुत अच्छे से उसमें कैंची चलती है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको बहुत ध्यान से कटिंग करनी है इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से संभालते हुए दोबारा भी इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप गला भी काटना सीख लेंगे और आपका कोई जैसे बुकरम वगैरह टेट्रोन वगैरह खराब भी नहीं होगी इस तरीके से। आप, ये बहुत ही आसान सा गला है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा गला सिखाया है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बच्चे का दिखा दे रही हूँ कि जैसे हमने ये तो कागज का कटिंग किया है, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ये कागज है। अगर हम टेट्रोन या पेपर पे, एक पेपर फ्यूज पे किसी पे कटिंग कर रहे हैं, तो इसके बीच का जो हमारा ये पीस निकलेगा, हम इसमें से छोटे बच्चे के गले की कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कोई निशान वगैरह की जरूरत नहीं है, इसमें इसी तरीके से ऐसे कटिंग करेंगे ऐसे। ठीक है, जितनी भी हमें लेंथ लेनी है उसी हिसाब से हम यही गला बना देंगे। जो इसके अंदर जो ये गला है, यही गला हमने ये बनाया है इसी के अंदर से जो हमारी बुकरम निकली है। तो इससे क्या होगा कि हमारी बुकरम खराब नहीं होगी। इस गले को भी हम कटिंग करके रख लेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती रहती है। जब हम बच्चों का बनाते हैं तो क्या करेंगे, इसकी जो लंबाई है थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इतना ही बड़ा लगाना है तो लगा सकते हैं। ये इसके अंदर से ही गला निकला है और ये हमारा बच्चे के सूट में काम आएगा। तो मैंने आपको ये दोनों तरीके के गले आपको सिखाए हैं और आपको अच्छे से देखना है और आपको वीडियो देखने के बाद ट्राई भी करना है। ठीक है, आपको इसकी कटिंग करनी है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से गले की कटिंग की है और आपको इसी तरीके से गले की कटिंग करनी है। और जब आप अच्छे से 1, 2, 3 गले की कटिंग कर ले, तब उसके बाद आप अपने टेट्रोन पे कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये अच्छे से देखना है और सीखना है और ट्राई करना है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।